हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल राउरकेला स्टील प्लांट का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था 17/11/2019 का, उसका जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके रिजल्ट की PDF आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। ऑल पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से। यहां पर क्लियरली उन्होंने बोला है जो आप लोगों का 17/11/2019 को पेपर हुआ था, उसके ऑल पोस्ट का रिजल्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो। यहां पर रोल नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग भी चेक करिए। यहां पर मैनेजर पोस्ट का है, अवेलेबल है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर ऑपरेटर का है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मैकेनिकल का अवेलेबल है, एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी का अवेलेबल है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का अवेलेबल है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स का अवेलेबल है, एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन का यहां पर आप देख सकते हो, एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर का आप यहां पर देख सकते हो। तो जो भी ऑल पोस्ट का आप लोगों का एग्जाम हुआ था सेल राउरकेला स्टील प्लांट का, वो यहां पर अवेलेबल है। यदि दोस्तों आपने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर की पोस्ट से फॉर्म फिल किया था और एग्जाम पेपर दिया था या नहीं दिया था, तो मैंने फिटर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली लाइव डिस्कस किया है। वो वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। वहां से यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है तो वहां से आप लोगों का एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का सेल राउरकेला स्टील प्लांट लेता है। तो वहां से आप लोगों को फ्यूचर के लिए एक आइडिया हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल राउरकेला क्वेश्चन पेपर का, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड डिस्कशन वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो आप अपने रोल नंबर को चेक करिए कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं, और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिस भी पोस्ट से कमेंट करके जरूर बताएं, और जो स्टूडेंट्स हुए हैं उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बेफिक्र रहे हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अभी हमारे पास काफी सारी वैकेंसी आ चुकी है, डेफिनेटली यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आगे जरूर आप भी सिलेक्ट होगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।